हेलो फ्रेंड्स, वीवो प्रो कबड्डी सीजन 9 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसी के रिगार्डिंग सभी फ्रेंचाइजियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं, लेकिन यहां बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल कर आ रही है तमिल थलाईवास की ओर से, जहां तमिल थलाईवास के प्रमुख खिलाड़ी पवन कुमार टीम से नहीं जुड़े हैं। इसी को लेकर तमिल थलाईवास के कोच ने कही है बड़ी बात। वहीं इस वीडियो में आपको लास्ट में बताऊंगा कि आखिर पवन कुमार तमिल थलाईवास के साथ क्यों नहीं जुड़े। वहीं पवन कुमार शेरावत ने कहा कि मैं अब भी बेंगलुरु बुल्स में। आखिर पवन ने क्या कहा, इस वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो गाइस, बात करें वीवो प्रो कबड्डी सीजन 9 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसी के रिगार्डिंग सभी टीमें अपनी तैयारियों में जुट गई है। बात करें तमिल थलाईवास की, तो यहाँ इन्होंने अपने कोच जे उदय कुमार के नेतृत्व में ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट कर दिया है। जहाँ बात करें पहले दिन की, तो सभी खिलाड़ियों ने काफी अच्छा पसीना बहाया है। बात करें इस टीम के साथ कौन कौन जुड़ चुके हैं, तो के अभिमन्यु, अंकित, वहीं अजिंक्य पवार जो की बेहतरीन रेडर है, वहीं सागर और हिमांशु डिफेंडर के रूप में इस टीम के साथ ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा बन चुके हैं। और पहले दिन लगभग सभी खिलाड़ियों ने काफी अच्छी मेहनत की कोच उदय कुमार के साथ मिलकर। वहीं काफी हंसी मजाक वाले पल भी रहे इस टीम के साथ, जहां एक दूसरे खिलाड़ियों के साथ इंट्रोडक्शन करते हुए नजर आए कोच साहब। सो गाइस, बात करते हैं पवन कुमार शेरावत की, तो गौरतलब है कि पवन कुमार शेरावत को तमिल थलाईवास ने प्लेयर ऑक्शन में सबसे बड़ी बोली लगाकर 2.26 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया है। सो फ्रेंड्स, बात करें आखिर पवन कुमार शेरावत प्रैक्टिस सेशन के पहले दिन कैंप में टीम के साथ क्यों नहीं जुड़े, तो प्रैक्टिस सेशन समाप्त होने के बाद कोच जे उदय कुमार ने कहा कि पवन कुमार शेरावत पर्सनल रीजन के कारण टीम के साथ नहीं जुड़े हैं, अगले एक दो दिन में वो टीम के साथ जुड़ जाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।